और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 3 बजे तक रहेगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के साथ ही आज मंगलवार का दिन भी है, और जब कभी चतुर्थी तिथि के दिन मंगलवार पड़ता है तो वो अंगारकी चतुर्थी हो जाती है। अंगारकी चतुर्थी का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है और मंगल एक तेज ग्रह है। मंगल का संबंध ताकत से है। मनुष्य की धमनियों में मंगल दौड़ते हुए खून से संबंध रखता है। मंगल अगर पॉजिटिव हो तो मनुष्य सेना में जाता है, साथ ही अच्छे दाम्पत्य संबंध स्थापित करता है, व्यक्ति में जोश उत्पन्न करता है। जबकि मंगल के नेगेटिव होने पर मनुष्य की ऊर्जा स्वार्थ की पूर्ति और लूट खसोट के लिए खर्च होती है। कमजोर मंगल दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को नष्ट कर देता है और किसी भी तरह के काम में मन नहीं लगता, जिसके चलते बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ जाता है, यहाँ तक कि कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, मंगल को अपने फेवर में करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज अंगारकी चतुर्थी के दिन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज सुबह 9:25 से शुरू होकर कल सुबह 5:58 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, यानी आज का दिन किसी काम में अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आज रात 3:29 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं। चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला दो राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांतिप्रिय भी होते हैं। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग और चित्रा नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात बता दूँ कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और मंगल को अपने मित्रों की श्रेणी में लाने के लिए, एक केले के पत्ते को लेकर उस पर हल्दी से एक त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिभुज का पॉइंट अपनी ओर करके रख लें। देखो, एक तो त्रिकोण ये हो गया जिसमें सामने की तरफ कोना दूसरी तरफ हो गया, ऐसे बनाओ कि कोना आपकी तरफ रहे। हल्दी से केले के पत्ते पर कोना अपनी तरफ करके रखिए। अब उस त्रिकोण के आगे नीम की 27 पत्तियां रखिए, और केले के पत्ते के आगे पत्तियों के साथ ही एक घी का दीपक भी जलाइए, और दीपक जलाने के बाद 108 बार ये पंक्ति पढ़िए, अग्नि सक्षम वृणी महे। ये अथर्ववेद की ऋचा है, अग्नि सक्षम वृणी महे। अग्नि की का सख्य यानी सखा भाव, वृणी महे, अग्नि सक्षम वृणी महे, 108 बार कहिए। देखिए अग्नि का कैसा साथ मिलता है, मंगल का कैसा साथ मिलता है आपको। और अगर आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा कहीं गायब हो गई है और रिश्तों में तकरार भी बनी रहती है, तो दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रखने के लिए आज दर्जी की दुकान से एक बचा हुआ चॉकलेटी रंग का कपड़ा मांग लीजिए, और उस कपड़े से एक त्रिकोण की आकृति काटिए। अब त्रिकोण का पॉइंट अपनी ओर करके रखें, और चॉकलेट रंग के कपड़े के कटे हुए त्रिकोण पर केसरिया सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर 18 बिंदियां लगाइए। फिर कपड़े को किसी एकांत स्थान पर ले आकर रख दीजिए। अब उसके चारों ओर अपने जीवन साथी का नाम लेते हुए एक धारा में शहद लेकर गिरा दें, और बचा हुआ शहद वहीं पर छोड़ दें। ध्यान रहे शहद कपड़े पर न गिरने पाए, केवल उसके चारों ओर ही शहद डालना है। फिर घर लौट कर आ जाइए। और अगर आपका जीवन साथी हमेशा किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहता है, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते की गति भी कुछ
थम सी गई है, तो आज कच्चे सूत के 3 गोले लेकर उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल में रंग लीजिए। अब इस रंगे हुए धागे को नीम के पेड़ के तने में कम से कम 6 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार लपेट दें, लेकिन ध्यान रहे भूलकर भी 8 बार नहीं लपेटना है, 13 बार नहीं लपेटना है और 16 बार नहीं लपेटना है। अगर धागा ज़्यादा हो तो उसे लपेटने के बाद मोड़कर वहीं पेड़ पर लटका दें, आपके जीवन साथी के जीवन में जोश आ जाएगा। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, यहाँ तक कि आपको कर्ज देने तक की नौबत आ गई है, या आपने पहले से कोई कर्जा ले रखा है जिसकी किस्त आपसे चुकाई नहीं जा रही है, तो आज एक थाली या केले का पत्ता लीजिए और उस थाली या केले के पत्ते पर हल्दी से त्रिकोण का निशान बनाइए। अब उस त्रिकोण के निशान के आगे घी का दीपक जलाइए और उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की दाल और 7 खड़ी यानी साबुत लाल मिर्च रखें और इस मंत्र को 108 बार पढ़ें। अग्नि सखस्य बोधिनः अथर्वेद। और अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास हमेशा बनाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज सुबह के समय स्नान के बाद श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और गणेश जी को लाल सिंदूर से तिलक लगाइए, साथ ही भगवान को गुड़ और घी का भोग लगाइए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा। और अगर आप किसी काम को करने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस काम में आपको असफलता ही मिलती है, तो सफलता पाने के लिए आज सुबह स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है या आप अधिक मेहनत भी करते हैं लेकिन मेहनत के बावजूद आपको इतना धन नहीं मिलता कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, तो आज सुबह के समय स्नान करने के बाद गणेश जी के मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें अर्पित करें, साथ ही भगवान को मोदक का भोग लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और आप चाहते हैं कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए तो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, तो उसके लिए आज सुबह के समय दूर्वा से बने गणेश जी को अपने मंदिर में स्थापित करें। दूब घास से गणेश जी की आकृति बनाइए, उसके बाद उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करें, निश्चित लाभ होगा। अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है जिसके कारण आपके परिवार की सुख शांति कहीं चली गई है, तो फिर से अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए आज कच्चा नारियल गणेश जी को चढ़ाइए, साथ में गुड़ के लड्डू का भगवान को भोग लगाइए। और अगर नौकरी में अपने सहयोगियों का साथ बनाए रखना चाहते हैं, तो आज सुबह के समय अपने घर की साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर में गणपति की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित करें, साथ ही उसके नियमित रूप से पूजा पाठ करें। और अगर आप अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो आज सुबह के समय अपने हाथ से मूंग की 11 दाल के लड्डू या बर्फी बनाकर गणेश जी को भोग लगाइए। और अगर आप स्वयं न बना सकें तो बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। इसके साथ ही संकट नाशक गणेश स्तोत्र का जाप करें। तो ये सारी चर्चा थी आज अंगारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे।